एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 17 थानों पर बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार की सुबह तक पुलिस चौपाल लगवाया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने खुद ही गघा थाना पर रात गुजारी और 100 पीड़ितों को समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण के निर्देश दिए। खास बात यह है कि हर थाने पर फरियाद सुनने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी ने पूरी रात प्रवास किया, जिसके संबंध में एसएसपी ने बताया कि अब हर बुधवार को रोस्टर के अनुसार थानों पर पुलिस चौपाल लगाई जाएगी। वहीं महानगर के थाना कैंट पर एसपी सिटी सोनम कुमार, बांसगांव थाने पर एसपी साउथ एके सिंह, पीपीगंज थाने पर एसपी नॉर्थ ने रात्रि प्रवास कर लोगों की समस्याओं को सुना, चौरी चौरा थाने पर एसपी क्राइम, गोला थाने पर एसपी ट्रैफिक, बड़हरगंज थाने पर एसपी प्रज्ञान, तिवारीपुर थाने पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, हरपुर बुधर थाने पर क्षेत्राधिकारी खजनी, बेलघाट थाने पर क्षेत्राधिकारी गोला, झगा थाने पर क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा, सहजनवा थाने पर क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज, थाना शाहपुर में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, थाना रामगढ़ताल पर क्षेत्राधिकारी कैंट, थाना कोतवाली पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली, थाना खोराबार पर पुलिस उपाधीक्षक प्रोटोकॉल और बेलीपार थाने पर क्षेत्राधिकारी बांसगांव रात्रि प्रवास किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि हर बुधवार पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहले बुधवार की शाम 5 बजे पुलिस चौपाल के तहत 17 राजपत्रित अधिकारी जिले के 17 थानों पर गए, जहां उन्होंने रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, चौकीदार बीट पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करते हुए क्षेत्र के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ उसका त्वरित निस्तारण भी सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य है कि राजपत्रित अधिकारी रात में थाने पर रुके और रात में थाने के कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अधीनस्थों को उचित मार्गदर्शन दें, जिससे समस्याओं का त्वरित और उचित निस्तारण हो सके। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जन सुनवाई को बेहतर बनाने और थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ जनप्रतिनिधि और जनता से मुलाकात के लिए आगे भी हर बुधवार की रात पुलिस चौपाल लगेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, कल रात्रि में पुलिस चौपाल में जनपद के 17 थानों में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों ने जाकर जन सुनवाई की और वहां के पुलिस स्टाफ से बातचीत की, क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्र के बारे में जानकारी की। इसका काफ़ी अच्छा नतीजा आया है और काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए, जिनका निस्तारण भी काफ़ी संख्या में हुआ है और साथ ही जो पुलिस बल है उनकी भी समस्याएं सुनी गई और क्षेत्रवासियों की जो समस्याएं हैं ट्रैफिक के लेकर, पुलिस की गश्त को लेकर, पुलिस की चौकियाँ बढ़ाने की संख्या लोगों ने कई जगहों पर डिमांड की, इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही इसके नतीजे देखे जाएंगे। भविष्य में भी प्रत्येक बुधवार को हमारे जनपद के पुलिस राजपत्रित अधिकारी चुने हुए थानों पर जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और रात में वहां रहकर पूर्णतः लोगों की समस्याओं का निस्तारण और पुलिस बल के कार्यप्रणाली की जांच, ये सभी कार्य करेंगे।